ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें संपूर्ण बनना है, और एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बाबा की है, परफेक्ट माना नो इफेक्ट, बियॉन्ड इफेक्ट। तो हमें संपूर्णता की स्थिति को पाने के लिए किसी भी तरह के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखना है। देखिए, बुरी चीजों का प्रभाव तो मनुष्य के ऊपर होता ही है। किसी के अपमान सूचक शब्दों का तो प्रभाव बहुत गहरा होता है, लेकिन अच्छी चीजों का भी प्रभाव कुछ ज्यादा जब हो जाता है तो वो भी अलौकिक नहीं माना जाता। मान लो सेवा में बहुत सफलता मिली और हम अति खुश हो गए, अति खुश होकर बाबा को भी भूल गए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। हम अपनी खुशी को समाएं। जो अपनी खुशी को समाना जानता है वो दुखों को भी समा लेता है। लेकिन मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि दूसरों की बातों का, दूसरों के व्यवहार का इफेक्ट हमारे ऊपर न हो, क्योंकि आजकल सभी के मन और सभी के ब्रेन काफी सेंसिटिव, नाजुक होते जा रहे हैं। लोगों में फीलिंग की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। किसी ने जरा सा कुछ कहा, कुछ हो गया और सारा दिन ही सोचते रहते हैं। इससे हमारा ब्रेन और कमजोर होता जाता है, मन और कमजोर होता जाता है, और हर छोटी मोटी बात का इफेक्ट हमारे ऊपर होने लगता है। इससे जो आत्माएं अपने को कमजोर कर लेंगी, जिनको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि बातों का इफेक्ट होने लगे, विनाश काल में उनका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि ऐसी घटनाएं संसार में अनेक होंगी जिनके बारे में हमने कभी कुछ सोचा भी नहीं था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन के बहुत दूर परे की चीज है। अनएक्सपेक्टेड चीजें, घटनाएं हर मनुष्य के सामने आएंगी। तो अभी से अगर नो इफेक्ट की स्थिति में रहने का अभ्यास होगा तो बहुत सहज होगा। तो ये सब याद रखेंगे, हमें बनना है बिल्कुल एक रस, नो इफेक्ट, किसी की बात का कोई इफेक्ट नहीं, किसी के दुर्व्यवहार का कोई इफेक्ट नहीं, किसी बुरी घटना का कोई इफेक्ट नहीं, किसी की मृत्यु का कोई इफेक्ट नहीं, किसी बड़ी समस्या का भी कोई इफेक्ट नहीं। इफेक्ट तो आते हैं, परंतु हमें उसे जल्दी जल्दी समाप्त करना होता है। उसके लिए बहुत आवश्यकता है ज्ञान के बल की। हम अपने को बहुत हल्का कर दें, जो जितने सरल चित्त होंगे, हर बात को लाइटली लेंगे, सहज भाव से लेंगे, ये कुछ नहीं है। लंबे काल अगर लाइट रहने का अभ्यास होगा तो आत्मा में इतनी माइट आ जाएगी कि इन बातों का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। दूसरा अभ्यास हम सबको करना है साक्षी भाव का। बहुत अच्छी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि इस ड्रामा की सुंदर बात को सभी याद रखें, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो कर्मों के कारण हो रहा है, ये सब कर्मों के हिसाब किताब चुकतु हो रहे हैं। किसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए उसका रिएक्शन, उसका फल उसे मिल रहा है। तो हमें अपने लिए भी साक्षी और हल्का होना है और दूसरों के लिए भी साक्षी और हल्का रहना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम बहुत अच्छे ईश्वरीय नशे और स्वमान में रहें। स्वमान में रहने से हमारे ऊपर ईश्वरीय प्रभाव छाया रहता है और निगेटिव बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ, पूर्वज हूँ,
पूर्वज माना बहुत बड़े, बातें बहुत छोटी, जैसे छोटे बच्चे किसी के कंधे पे चढ़कर नाक कान पकड़ने लगे, बाल खींचने लगे, तो बड़ों को फील नहीं होता बल्कि वो एंजॉय करते हैं। हम भी पूर्वज हैं, बड़े हैं और ये बातें बहुत छोटी हैं, तो सारा दिन स्वमान में रहेंगे। मैं इष्ट देव देवी हूँ, पूर्वज हूँ, मैं तो एक महान आत्मा हूँ और परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। थोड़ा समय बाबा की किरणों का आनंद लेंगे, मानो परमात्म वाइब्रेशंस की मेरे ऊपर बरसात हो रही है। इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो मन पर ईश्वरीय नशा छाया रहेगा और किसी भी इफेक्ट का, किसी भी बात का बुरा इफेक्ट नहीं होगा। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।